77,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जो है वो जारी है। अभ्यर्थी आज दूसरे दिन भी करेंगे प्रदर्शन। आपको बता दें कि SCERT ऑफिस पर बाहर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, तो वहीं प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोकने और आरक्षण की मांग जो है वो इन अभ्यर्थियों की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 79,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए और आरक्षण की मांग जो है उसको लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। तो आपको बता दें कि अभ्यर्थी आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन जो है वो करेंगे। SCERT ऑफिस पर बाहर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता दें, 79,000 सहायक शिक्षक मामले से जुड़ी, लगातार प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अभ्यर्थी जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है वो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोकने और आरक्षण की मांग जो है वो यहाँ पर अभ्यर्थी कर रही है। लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। तो वहीं आज दूसरे दिन भी जो अभ्यर्थी है उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। SCERT ऑफिस पर बाहर विरोध प्रदर्शन जो है वो अभ्यर्थी कर रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन के जरिए उनका कहना है सरकार के खिलाफ उनकी नारेबाजी देखने को मिल रही है। लगातार उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को रोके जाना चाहिए और लगातार उनकी आरक्षण मांग जो है वो भी इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर है। तो वहीं चंद्रमणि शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। चंद्रमणि, आपसे जाना चाहेंगे, लगातार 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है, तो वहीं आज दूसरे दिन भी अभ्यर्थी जो है वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये कह रही है कि 31,661 पदों पर भर्ती होगी। वहीं दूसरी तरफ जो MRC के मुद्दे पर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने कल भी प्रदर्शन किया था और आज भी उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और लगातार इनकी ये मांग है कि इनकी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री से बात कराई जाए, और उसके साथ ही में जो MRC के मुद्दे पर लगातार वो विरोध करते आए हैं उस पर फिर से सूची जारी की जाए और उसी को लेकर वो लगातार विरोध कर रहे हैं। वही सरकार की तरफ से स्थितियां स्पष्ट है कि वो 31,661 पदों पर भर्ती को लेकर लगातार प्रक्रिया चल रही है। अब ये देखना होगा कि क्या सरकार की बात मानती है, क्या आगे की गतिविधि होगी, ये देखने वाली बात होगी। जी चंद्रमणि, बिल्कुल ठीक, आपने आगे की गतिविधि क्या होगी बिल्कुल देखने वाली बात होगी। लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है लगातार जारी है, तो ऐसे में देखते हुए क्या कुछ लगता है कि जो प्रशासन है, जो सरकार, किस तरीके से इन अभ्यर्थियों को मनाएगी? ये देखिए, जिस तरह से लिस्ट जारी की गई थी 67,000 लोगों की, 69,000 लोगों की नियुक्ति के लिए, और उसके बाद में लगातार ये अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, कोर्ट में भी है, मामला आयोग में भी है। तो इसको लेकर अब सरकार की तरफ से स्थितियां स्पष्ट की जाएंगी कि आरक्षण को किस तरह से लागू किया गया है, क्या नियमों की अनदेखी हुई है या नहीं हुई है, इसको लेकर आयोग में सरकार जवाब देगी और जवाब देने के बाद ही स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी कि असल स्थिति क्या है। जी चंद्रमणि, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला जो है वो लगातार ये कह सकते हैं कि एक बंद बोतल में हो चुका है। लगातार वो भर्ती प्रक्रिया करने की कोशिश की जा रही है लेकिन बार बार जो है टाल दी जा रही है। यहाँ एक तरफ लगातार युवा जो है वो प्रदर्शन करते हैं रोजगार के लिए, और दूसरी जब रोजगार मिलता है तो इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया ही जो है उसे रोक दिया जाए। जी, ये बड़ी खराब स्थिति है 69,000 भर्ती की। एक तरफ जहां भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो दूसरी तरफ विवाद शुरू हो जाते हैं, और शुरुआत से ही इस भर्ती में इस तरह की स्थितियां रही हैं कि अभ्यर्थी का दुश्मन रहा है। चाहे शुरुआत में बात करें जब BTC अभ्यर्थी और शिक्षा मित्रों के बीच में विवाद था, फिर आंसर की को लेकर विवाद हुआ, और अब इस समय जो विवाद है वो MRC को लेकर है। यानी कि अभ्यर्थी हर बार विवाद रहा है। अब ये देखना होगा किस तरह से इस विवाद का निस्तारण होता है और सरकार किस तरह से प्रस्तुति देती है। जी चंद्रमणि, बिल्कुल ठीक है, आपने अभ्यर्थी बनाम अभ्यर्थी का जो सिलसिला लगातार उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, अब देखने वाली बात होगी कि कब ये अभ्यर्थी बनाम अभ्यर्थी का सिलसिला उत्तर प्रदेश में खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए।